बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। आप सबको स्वागत है किश ट्रैवल वर्ल्ड पर और आज देख रहे हैं एपिसोड नंबर 2 इंटरलाकन पे। आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटरलाकन से म्यूरन जैसी विलेज की सफ़र और डे टिप्स और काफ़ी सारे आइडियाज। और मेरे साथ आज इंटरव्यू पर है वेरोनिका। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द एपिसोड्स। हैव फन, एंजॉय द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रेन की सफ़र शुरू किया जो विल्डर्स व्हील करके एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है जहाँ पे ये स्टेशन है। यहाँ से सबसे पहले लाउच ब्रुलिन का जो दूरी है वो 25 मिनट की है और वहाँ से फिर दूसरा एक केबल कार से म्यूरन पहुँचना होता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। दोस्तों, ये सुंदर नज़ारा जो आप देख रहे हैं इसका नाम है लाउटरब्रुनन, एक खूबसूरत सा वैली। और यहाँ से मैं एक दूसरा ट्रेन लेकर म्यूरन पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। यहाँ एक काफ़ी फेमस पॉइंट है जहाँ से काफ़ी लोग ट्रैकिंग करते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे कैफेज़ और रेस्टोरेंट्स है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। जो लोग रोड ट्रिप करते हैं वो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करके फिर यहाँ से केबल कार में जाते हैं। तो ये दोस्तों मेरा आखिरी सफ़र है जो बैर्ग बान में मैं कर रहा हूँ, जिसका मतलब है पहाड़ी रेलवे। इसके चल के मैं पहुँचने वाला हूँ म्यूरन विलेज में। ओ माय गॉड, सो फाइनली मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। म्यूरन विलेज पे मैं पहुंच चुका हूं और ये जो खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं ये 4,800 फीट ऊंचाई पर है और यहां से और 2 या 3 पॉइंट केबल कार से आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि यहां से आप काफ़ी सारे ट्रेकिंग कर सकते हैं और इट्स ए परफेक्ट फैमिली पॉइंट। काफ़ी सारे फोटोग्राफी, काफ़ी सारे, इट्स प्रिटी सिनेमैटिक। और मुझे तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि मैं 4K टेलीविज़न देख रहा हूँ। स्विट्जरलैंड इज अ मस्ट वंस इन योर लाइफ। हाय गाइस, आई एम स्टैंडिंग एट अबाउट 4,800 फीट अबव। द नेम ऑफ द प्लेस इज म्यूरन। स्टनिंग व्यू। Switzerland is spectacular. It's one of the most beautiful place in the world, there's no doubt. And the best part is they have infrastructure where you can reach different places. म्यूरन वैली जो है काफ़ी फेमस है, अक्सर समर और विंटर दोनों ही सीज़न में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस बार कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी टूरिस्ट पहुँच नहीं पाए थे और काफ़ी सारे रिडक्शंस भी चल रहे हैं टिकट्स में और प्राइसेस में। और यहाँ से यूंगफ्राउ का एक भी नज़ारा देखने को मिलता है और ये जगह काफ़ी फेमस है। एक मूवी है जेम्स बॉन्ड
आप गूगल कर सकते हैं पिट्स ग्लोरिया एंड जेम्स बॉन्ड। ये हॉलीवुड के जगत में भी काफ़ी मशहूर रहा है, म्यूरिन वैली। तो दोस्तों अभी यहाँ से सफ़र ख़त्म करके मैं वापस लाउटरबुनन जाने वाला हूँ। लाउटरबुनन फिर से केबल कार और एक और ट्रेन कनेक्ट करके मैं इंटरलाकन पोस्ट में पहुँचने वाला हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जो जर्नी है ये केबल कार की, यहाँ पे काफ़ी लोग एक्साइटेड अक्सर रहते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए। और मैं जैसे कि बताया था कि स्विट्ज़रलैंड इज़ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों ये जो सफ़र है काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों शाम की करीबन 5 बजे के आसपास मैं इंटरलाकन पहुंच गया था और मैं ये महसूस किया कि सनसेट काफ़ी लेट है, अराउंड 9 बजे के आसपास। तो मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक बस लिया और इंटरलाकन के सबसे नज़दीक जो लेक है, लेक थून का एक चक्कर लगाया, जहाँ पे मुझे मिली वेरोनिका। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दोस्तों ये है लेक थून, जिसको देखकर मैं काफ़ी भावुक हो गया था। और ये लेक इंटरलाकन से बिल्कुल नीचे है और काफ़ी मशहूर है। इसके ऑपोजिट पर एक गांव है जिसके ऊपर एक कैसल और एक चर्च भी है। इसमें क्रूज़ का भी ऑप्शन है, आप क्रूज़ भी कर सकते हैं। समर में खास करके मैंने काफ़ी लोगों को देखा रिलैक्स करते हुए, काफ़ी लोग समर स्पोर्ट्स भी, वाटर स्पोर्ट्स भी कर रहे थे और कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे जो ग्रिल कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे मिली वेरोनिका, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स विथ मी इज़ वेरोनिका। एज़ आई से दैट व्हेन आई ट्रैवल आई मेक लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स एंड दैट मेक्स दैट इम्प्रूव्स माई नॉलेज एंड इट मेक्स ट्रैवलिंग मोर ईजियर। So Veronica is going to talk about her city and she is going to give you some more ideas about where she belongs to. So I'm coming from the Czech Republic. It's also a beautiful country and I am not a big fan of the big cities. So I lived in the village, or kind of village, close to the mountains as well, but you cannot compare mountains in here and mountains in the Czech Republic, but also it's mountains, so many forests around, so many nice people, smiling people, so Czech Republic is also a beautiful country and I recommend to visit you. And also you can see so many places over there and you can do so much stuff. Lovely. And how far is from Prague? To get here? To your city. It's like 1 hour driving, so it's not that far. It's like 100 kilometers. Lovely. I also heard that there's a city called Olomouc, which is Olomouc. Yeah, it's absolutely on the other side of the Czech Republic. Yeah, that's like this part of the Czech is like very famous because of the wine. Oh wow. Yes. Interesting. I had made 2-3 times a plan to visit Olomouc because it's close to. On the other side is Krakow, Poland. And Poland. Poland, and on the side is, You're so I'm looking forward to go and make a shooting of Christmas time maybe this year. Oh yeah, absolutely. If you visit Czech Republic, but go to the biggest cities like Prague, Brno or Pilsner, definitely that's gonna be the best time of your life because we really enjoy it. Hi. So it's amazing. Yeah, I loved your country and hospitality is also great. And Yeah.
Sophie, my friend, is also enjoying water sports today. It's a fantastic day. So, yeah, lovely. Veronica, so thanks for giving me your valuable time, and we look forward to see you maybe in some other location as I'm here in Tulakan. Thank you. So, thank you very much. तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो. सो ये मेरा सेकेंड एपिसोड है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ फॉलो एंड शेयर इट सो दैट आई मेक बेटर कंटेंट. इन द नेक्स्ट एपिसोड मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेंट माइकल चर्च और इसके आसपास के जो गाँव है जिसका नाम है माइरिंगन. और सबसे खास बात यह है कि बॉलीवुड के साथ इंटरलाकन का क्या खास रिश्ता है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यश चोपड़ा का स्टैचू और काफी सारे टिप्स, काफी सारे नए आइडियाज. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ. आई विश यू अ लवली डे. बाय बाय.